गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, लास्ट डे आई वॉज टोल्ड अबाउट द काइंड्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द पावर्स, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड द डेफिनेशन, द डिग्री जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड सम क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2.1। अप टू 2 क्वेश्चन आई वॉज कम्प्लीटेड। तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एग्जाम्पल देना है बायोनोमियल का जिसमें डिग्री 35 आती हो, और एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसमें डिग्री 100 आती हो। स्टूडेंट, आपको पता है कि डिग्री 100 या फिर डिग्री 35 आने का मीन्स क्या? डिग्री तो मैक्सिमम ही नंबर होता है ना, सबसे बड़ा, उससे छोटे की बात नहीं करेंगे, सबसे बड़े की बात होती है, तो सबसे बड़ी पावर ही आपकी डिग्री होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो ये कह रहा है कि बायनोमियल में और मोनोमियल में बताइए। तो हम जानते हैं कि बायोनोमियल में जो नंबर आते हैं वो दो डिजिट्स, मतलब दो टर्म्स आते हैं, और मोनोमियल में एक ही टर्म आता है। अब आप 5 लगाएं, 7 लगाएं, 2 लगाएं, 8 लगाएं, वो आप पर डिपेंड करता है, बस अपने को तो पावर से मतलब है। क्वेश्चन कहता है अपने को पावर से मतलब है, ठीक है। जब आप बायनोमियल मोनोमियल बता रहे होते हैं तो सिर्फ आप टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, उस समय आप पावर्स की बात नहीं करते हैं। टर्म्स कितने होने चाहिए बायनोमियल में? 2 होने चाहिए, वो कुछ भी हो। आपने ले लिया 2x की पावर 35, आप यहाँ एक्स की पावर 35 भी ले सकते थे, माइनस 5 की जगह 2 ले सकते थे, 7x² ले सकते थे, 5x की पावर 34 ले सकते थे। तो कोफिशेंट कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, आपको वो बायनोमियल का टर्म कंप्लीट करके बनाना था बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि बायोनोमियल में 2 टर्म्स आते हैं, वो भी पावर डिग्री 35 का। आप यहाँ पर 5x की पावर 34 भी ले सकते थे, 2 टर्म होने से मतलब है। जब आप टर्म्स की बात करते हैं तो आप पावर्स के रिगार्डिंग नहीं जाते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है पावर को बताया था कितनी पावर लेनी है, तो आप आगे टर्म में पावर लो या मत लो, 2 टर्म होने चाहिए। नेक्स्ट उसने कहा मोनोमियल होना चाहिए पावर डिग्री 100 का, तो आपने ले लिया एक्स की पावर 100, आप ये 5 हटा भी सकते हैं, आप 7x की पावर 100 भी ले सकते हैं, तो ये मोनोमियल के केस में चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इनके डिग्रीज लिखनी है। तो डिग्रीज क्या होती है? मैक्सिमम पावर होती है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0। यहाँ ना तो एक्स है, ना वाई है, ना कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 5x की पावर 3 से डिग्री 3 हो गया, 4 माइनस वाई की पावर 2 से डिग्री 2 हो गया, यहाँ पर टी से 1 हो गया, यहाँ पर डिग्री आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पहला पार्ट, तो आपसे तो पूछा नहीं है, इसने अकॉर्डिंग टू पावर पूछ रखा है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो पावर 2 होती है तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है, पावर 2 में क्वाड्रेटिक होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एक्स माइनस एक्स की पावर 3, पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, पावर 2 आ रही है, तो क्या हो जाएगा? पावर 2 में हो जाएगा क्वाड्रेटिक। आगे कितने भी टर्म लगाते रहिए, लेकिन मेन एक जो डिग्री मेन होती है उसको आप चेक करेंगे। थर्ड हो गया, फोर्थ में देखिए 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स में क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। पावर कितनी है? 1 है। फिफ्थ में देखेंगे 3t,
थ्री डी में टी क्या है, सिंगल है यानी लीनियर हो जाएगा। सिक्स में देखेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, सेवन्थ देख लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं। सेवन्थ है सेवन एक्स की पावर थ्री, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आपकी एक्सरसाइज बहुत आसानी से यहाँ पर फिनिश हो गई है 2.1। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3 एट 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। किस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, इन इन वैल्यूज पर, ये जो वैल्यू दे रखी है इन पर क्या होगी। तो पहली अपने पास वैल्यू दे रखी है एट, अपने को मिला हुआ है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे तो फिर पी एक्स अपने पास कितना है 5x माइनस 4x स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और साथ में टर्म कितने आ रहे हैं, तो ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीरो पे निकालना, तो पी जीरो इक्वल टू फाइव, जहाँ जहाँ पर जी एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ क्या लगाना है, जीरो लगाना है। ठीक है, तो हो जाएगा जीरो माइनस जीरो प्लस थ्री, क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ठीक है, इसका देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, एक्स इक्वल टू टू पर, तो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये, तो पी एक्स लिख लेंगे, पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब आपको क्या लगाना, पी टू लगाना, तो पी टू जाएगा फाइव इंटू टू माइनस फोर इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री, दैट इज टेन माइनस फोर, टू टू जाए फोर प्लस थ्री, तो जाएगा टेन माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री, तो जाएगा थर्टीन माइनस सिक्सटीन, यानी कि माइनस थ्री आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कहता है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि पी वाई इक्वल टू, ये दे रखा फर्स्ट पार्ट है, और ये आपसे कह रहा है कि पी जीरो निकालो, पी वन निकालो और पी टू निकालो, अलग अलग वैल्यू बतानी है आपको। तो पहले आप पी जीरो निकालेंगे तो पी जीरो हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, यहाँ लगाएंगे माइनस में जीरो प्लस में वन, तो ये आपस में कैंसिल हो गए तो आता है वन। फिर आप निकालेंगे पी वन, तो पी वन हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर पर वन का स्क्वायर माइनस में यहाँ वाई पर वन और यहाँ पर वन, तो वन से वन हो गया कैंसिल, प्लस में क्या आता है आपका वन आता है। फिर आता है पी टू, तो पी टू इक्वल टू हो जाता है आपका, टू का स्क्वायर यहाँ लगाएंगे माइनस में टू प्लस में वन, तो टू टू जब फोर हो जाता है माइनस टू प्लस वन इक्वल टू में टू, ये बनता है आपका टू और प्लस में वन इक्वल टू थ्री, तो ये आपके जो है ये वैल्यू बन जाती है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं, इसका हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है, तो आप यहाँ लगाएंगे पी जीरो, तो जाएगा जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, यानी माइनस वन प्लस वन यानी माइनस वन। फिर आप लगाएंगे पी वन, यहाँ लगाएंगे वन माइनस वन हो जाएगा वन प्लस वन, तो जीरो, यहाँ आ जाएगा टू, क्या आगे जीरो। फिर आपका आ जाएगा पी टू, पी टू में लगाएंगे तो हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस, सॉरी यहाँ लगाएंगे इस वाली वैल्यू में, इसमें लगाना है तो हो जाएगा टू माइनस वन, ये हो जाएगा टू प्लस वन, दैट मीन्स वन, यहाँ आ जाएगा थ्री, क्या आएगा आंसर थ्री, यहाँ क्या आया आंसर माइनस वन, यहाँ क्या आंसर ज़ीरो। तो देखो कितनी आसानी से आप इनको जो है सिर्फ वैल्यू लगा करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये इसके ज़ीरो हैं, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू लगानी है, उसका आंसर निकाल लेना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, वो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप योर स्टडी एट योर होम। ओके स्टूडेंट्स।